Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब हमारी इस्लामिया स्कूल में बात हो गई और माए कराम ने सियासी लोगों के हवाले किया था, आप लोगों को सब कुछ मालूम है। वक्त की कमी है, डिटेल इंशाल्लाह हम बताएंगे सच्चे में, पूरा टाइम हमें मिलेगा आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें कांग्रेस की चाल है। करबाई साहब हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे भाई है, लेकिन उन्होंने कारगिल के इत्तेफाक को तोड़ा है। कारगिल के साथों का क्या है, मैं वसोक से कहूंगा, रांची सिटी से कहूंगा। वरना हमने कहा, तमाम पार्टियों ने कहा, इस्लामिया स्कूल ने कहा, आप बशीर से किसी मेंबर को दे दो, दस से मुंसरत किसी आदमी को दे दो, कांग्रेस से मुंसरत किसी आदमी को दे दो, लेकिन वो डटे रहे मैं तो मैं करके। हमेशा जब मैं वही आदमी करता है जिसको खुद करती होगी, बकरी भी मैं करती है, जब खले में छुरी पड़ता है तो फिर बाहर करके बैठ जाती है, उसकी मैं भी निकल जाती है। यही होने वाला है कांग्रेस का, यही होने वाला है जनाब अली लोगों का। तो मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ आप लोगों को मेरी गुजारिश है, अब आप लोगों के पास हमारा सज्जाद साहब अमानत है, आप लोगों ने अपनी कौम का नाम रोशन करना है। क्योंकि खरम से लेकर मटैन तक जब हम कारगिल में जाते हैं, आपको कोई नहीं कहेगा द्रास का है, ये द्रास का है, ये छानीगढ़ का है, ये बड़गाम का है, कहेंगे द्रास हेम्बसपा। इसलिए हेम्बस का नाम रोशन करना आप लोगों के लिए फर्ज बनता है, वाजिब बनता है। इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया है, पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ किया है, लेकिन आज मुझे याद नहीं है। ये मेरा भाई है, इसके लिए मैं जान भी दे दूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय कौम के लिए, राष्ट्रीय एकजुटी के लिए। वरना मेरी जगह दूसरा कोई होता, क्योंकि इन्होंने खुद मेरे खिलाफ किया है। लेकिन एक मुसलमान का फर्ज बनता है, 24 घंटे के अंदर भूल जाओ जो हुआ सो हुआ, क्योंकि इसके साथ हमें बहुत उम्मीदें हैं। इसकी कामकर्दगी मैंने देखा है, इसके काम करने का तरीका मैंने देखा है, मुझे उम्मीद है दिल्ली में पार्लियामेंट में ये जाके जरूर आवाज निकालेंगे। अगर ये नहीं निकालेंगे, हमें इसको चैन से बैठने नहीं देंगे, लेकिन फर्ज आपका बनता है, आप वोट देके नहीं लूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मौके मिलेंगे, हमारे साल से जुलूस होने वाले हैं इंशाल्लाह। तीन तारीख को द्रास में चलता है, उस दिन हम अपनी जोर दिखाएंगे खरुल से लेके मटाइन तक, इंशाल्लाह हम दिखा के देंगे खरुल से लेके मटाइन के लोग। बगैर मिलत, बगैर पार्टी, सज्जाद साहब के पीछे है, इस्लामिया स्कूल के पीछे है, हम दिखा के देंगे। एक बार मैं जनाब सदर इस्लामिया स्कूल का भी मशहूर हूँ कि उसने इस गयूर कौम पर, इस मजलूम कौम पर भरोसा करके सज्जाद को निकाले, उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शेख साहब आपके पीछे चट्टान की तरफ हम खड़े हैं, हमारी जान जाएगी, आपके नाम को बंदा होने नहीं देंगे, इंशाल्लाह आपके पीछे हम खड़े हैं।